SPS हॉस्पिटल हमने पिछले साल इसी दिन स्टार्ट किया था. आज इस हॉस्पिटल को एक साल पूरा हो चुका है और आज के दिन हम आयुष्मान भारत योजना लॉन्च कर रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है. इसके तहत गरीबों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है. जिस भी गरीब परिवार के पास आयुष्मान का कार्ड है तो वो इस हॉस्पिटल में आकर अपना कार्ड दिखाकर 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज करा सकते हैं. जो आज सबसे ज़रूरी तो ये है कि आज एक साल पूरा हुआ है सिरसा में SPS. SPS एक संस्था और एक हॉस्पिटल की चेन है जो एक अच्छी हेल्थ सर्विस और कमिटमेंट पे निर्भर करती है कि पेशेंट्स को एक सुपर स्पेशलिटी सर्विस जो है प्रोवाइड करें. और अब तो काफ़ी देर से मैं इधर अपनी सेवाओं दे रहा हूँ, जिसमें गैस्ट्रो की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, जिसके स्पेशलिस्ट इधर है नहीं, और अभी हार्ट की भी OPD शुरू हो गई है, डॉक्टर कुका ने शुरू कर दी है, और भी धीरे धीरे स्पेशलिटीज़ जो है हम बढ़ा रहे हैं. तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इस जो एरिया को काफ़ी ज़रूरत है. जो काफ़ी डिप्राइव्ड एरिया था, जहाँ पर काला पीलिया बहुत ज़्यादा है, लिवर की प्रॉब्लम बहुत है, अन्य बीमारियाँ हैं, और कैंसर की तो प्रॉब्लम वैसे ही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. कुछ लाइफस्टाइल के कारण, कुछ हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है, और ये सारी बीमारियों के लिए अब सारा चल रहा है. और ये साल जो सालगिरह आई है तो इसमें हम और नए मोटिव लेके नए अच्छे प्लान्स, और हमारा सारा है कि इसको और बढ़िया करें. और सिरसा में कम से कम और आसपास के जो भी इलाके के गांव और जितने भी शहर हैं, वो इस चीज़ का लाभ उठा सकें. सतगुरु प्रताप सिंह हॉस्पिटल, जो कि पहले लुधियाना में था, जिसको पहले अपोलो हॉस्पिटल भी कहा जाता था, जो कि पिछले 15 साल से वहाँ पर चल रहा है, तो उन्होंने लास्ट ईयर ये प्रायोजन किया कि सिरसा, जो कि हेल्थ केयर के हिसाब से काफ़ी पीछे रह जाता था, बिकॉज हम सारे जानते हैं कि सिरसा और हिसार का पेशेंट, कोई भी हार्ट पेशेंट है या कोई सीरियस पेशेंट्स हैं, उनको दिल्ली ले जाना पड़ता था. तो वी आर ट्राइंग कि यहाँ पे हम एक कार्डियोलॉजी का, सुपर स्पेशलिटी का एक हॉस्पिटल सेटअप किया जाए. और आज इस हॉस्पिटल की पहली सालगिरह है, और यहाँ पे जो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी तो राइट फ्रॉम डे वन ही चल रही थी. और आज के दिन से एक तो आयुष्मान भारत हमारे साथ जुड़ा है, हम आयुष्मान भारत के साथ जुड़े हैं, और जिससे कि गरीब मरीजों को भी काफ़ी सुविधाएं प्राप्त होंगी, और कार्डियोलॉजी और ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी की भी हम यहाँ पर OPD स्टार्ट कर रहे हैं. हमारी तरफ से भी हम बहुत प्रिविलेज्ड फील करते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आपने बहुत सारे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स देखे होंगे, शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, दिल्ली में देखे होंगे, बट SPS हॉस्पिटल मैं कहूँगा कि एक कॉरपोरेट होके भी एक कॉरपोरेट जैसा नहीं है, बिकॉज एक धार्मिक संस्था की तरफ से ही ये चलाया गया है. ये एक ऐसा कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, कॉरपोरेट विद अ ह्यूमन टच, जहाँ पे पेशेंट की भावनाओं को, संवेदनाओं को तवज्जो दी जाती है, पूरा जिस चीज़ का ध्यान रखा जाता है. कैंप्स का जो बेसिक पर्पस होता है ना जी, वो होता है जागरूकता लाना, जागरूकता अवेयरनेस. क्योंकि आपको सबको पता है कि चाहे इंडिया में हम कहते हैं ना कि हेल्थ केयर, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो बहुत सस्ती हैं, फिर भी इंडिया में अगर कोई आपको ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है तो एक मिडिल क्लास फैमिली का वो उस साल का या 2 साल का बजट पूरा डिरेल कर देता है. मतलब एक तरह से कह लो एक मिडिल क्लास फैमिली की कमर टूट जाती है अगर इलाज कराना पड़ जाए. तो वर्ल्ड ओवर चाहे हम अमेरिका से 100 गुना सस्ता इलाज कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाती है कि पेशेंट को अपनी जेब से वो पैसे देने पड़ते हैं, जो वहाँ पे इंश्योरेंस बेस्ड है. अमेरिका में इंश्योरेंस बेस्ड है, कनाडा में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है हेल्थ केयर, यूरोप में भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है. तो जब इलाज खुद करवाना पड़ता है तो चाहे वो कम ही हो, वो पेशेंट को मुश्किल हो जाता है. तो अगर हार्ट अटैक का पेशेंट कोई अमेरिका में भी जा रहा है तो वो 4% चांस है कि उसके बेस्ट एफर्ट्स के बाद, सभी कोशिशों के बाद, कि 4% है कि वो नहीं बच पाएगा, 96% वो बच जाएगा. जो कि हार्ट अटैक का पहले खतरा 50% होता था, वो कम होके 4% हो गया. लेकिन ये भी मरीज़ को बताना ज़रूरी होता है कि हमारी हर कोशिश के बावजूद आपके 4% चांस है कि हम शायद ना बचा पाए, जो कि अक्सर मरीज़ समझ नहीं पाता. क्योंकि मरीज़ एक तो उम्मीद होती है डॉक्टर में उसको, और ये भी होता है कि जब मेरे पैसे लग गए तो मुझे वो रिज़ल्ट मिलना चाहिए. तो एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल्सो जस्ट ह्यूमन.
इंडिया में ही पंजाब है, इंडिया में ही मणिपुर है। जो इंडिया, जो पंजाब वाला आदमी है उसको हार्ट अटैक का खतरा मणिपुर के आदमी से 9 गुना ज़्यादा है। उसका कारण है पंजाब में 50% लोग मोटे हैं, मोटापे का शिकार हैं। पंजाब में 50% लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। खेतों में भी अब तो काम सारा माइग्रेंट पॉपुलेशन करती है, तो इसका रीज़न है कि फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है। What are the expansion plans of SPS from now on? This is a very congested place, no parking. Yes sir, definitely we are in the process of expanding our SPS facility here, and I think in the next year we'll be able to do that. First we are thinking of getting all the support from the local residents of Sirsa. In the next year we'll be planning. Full on facility, जैसा कि हमारा SPS लुधियाना वाला जैसे आपने देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। तो आगे आने वाले प्लान में, जैसे हमने ऑनको की OPD अब यहाँ पे शुरू कर दी है, डॉक्टर नवदीप ने आना शुरू कर दिया है यहाँ पे, तो आने वाले समय में जैसे जैसे कंसोलिडेट होता जाएगा तो एक सम डॉक्टर विल बी सिटिंग परमानेंट हेयर एंड ऑल द टेस्ट विल बी अवेलेबल अंडर वन रूम। यही हमारा विजन है। और कल को डॉक्टर नवदीप यहाँ पे आ ही रहे हैं। अगला प्लान है हमारा बच्चों के लिए भी कैंसर के लिए OPD यहाँ पे शुरू करने का, तो वो भी स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ पे आना शुरू कर देंगे, क्योंकि बच्चों के कैंसर के स्पेशलिस्ट आमतौर पे देखने में नहीं मिलते हैं, बहुत कम है। बच्चों के कैंसर भी कम होते हैं, बट अगेन बच्चों के मैं कहूँगा जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा ध्यान से करें। मैं भी नाम गया हुआ है, सबसे ओल्ड पेशेंट 124 साल के पेशेंट का इन्होंने स्टेंट डाला था हार्ट में, तो इनका मतलब पेसमेकर था। हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम गया। 100 मैक्सिमम कितने साल का पेशेंट था? पिछला रिकॉर्ड 107 साल का था, वो इंग्लैंड का था, और इंडियन रिकॉर्ड 105 साल का था जो कि SGPGA लखनऊ में डॉक्टर नवीन ने डाला था। तो ये पेशेंट उसका ऑन पेपर उसकी एज 118 साल है, और वैसे मतलब फैमिली में जो कहा जाता है तो उनका जन्म 1896 का था। तो ये फिरोजपुर की लेटी थी करतार कौर संगा, तो उनके नॉट वी आर इन द प्लान, वी आर प्लानिंग फॉर इट। It also lacks facility for more because so many NRIs have their patients like that in Sirsa. So that is all in the pipeline. So medical that is all in the pipeline. Medical superintendent Dr. Jeev Kumar. Maybe next year you will see a cath lab and a cardiac facility, full on cardiac facility which is going to be opening up at SPS Sirsa, and we will be coming up with other facilities also. So slowly we have been consolidating. So this is the first year with everyone's help we have been able to bring it to a level. आपकी जो दिक्कत आ रही है कैंसर की स्टेज जानने के लिए, जो पेट स्कैन वगैरह होता है उसकी मशीन यहाँ से मतलब 100 किलोमीटर के एरिया में कोई अवेलेबल नहीं है, हिसाब जाना पड़ता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अपने हॉस्पिटल में आने वाले टाइम में जो पेट स्कैन की मशीन वगैरह लग जाए? सर बिल्कुल पॉसिबल।